अल्हम्दुलिल्लाह, हाई कोर्ट में दुबई ड्राइविंग लाइसेंस और यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है और कितना टाइम लगता है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। Assalamualaikum, this is Abesh Chudai, welcome back to another video। तो मैं बहुत दिनों से फिर से गायब था। एक्चुअली बहुत सारी मसरूफियात चल रही थी लाइफ में। सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस चल रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ये लिया। और मैंने ये कौन सा स्कूल से लिया है इसकी कम्प्लीट डिटेल मैं आपको बताता हूँ। यार आज फ्राइडे और आज बहुत रश है पब्लिक। अब देखो यूएई में लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले आपका वीज़ा होना चाहिए, या तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो या तो फिर आपके पास अपना वीज़ा हो, और अपने वीज़ा पे भी आप लाइसेंस ले सकते हो। सो लाइसेंस लेने के सबसे पहला स्टेप है आपको स्कूल चूज़ करना पड़ता है। यहाँ बहुत सारे स्कूल हैं, एमएस ड्राइविंग स्कूल है, बिलहसा ड्राइविंग स्कूल है, दुबई ड्राइविंग स्कूल है। बेसिकली सारे ड्राइविंग स्कूल आरटी के अंडर ही आते हैं और सबकी फ़ीस और प्रोसीजर वगैरह सब सेम है। तो जो भी स्कूल आपके नियरेस्ट है सबसे पहले आप उसमें एडमिशन ले लें। आफ्टर चूजिंग योर स्कूल सबसे पहला स्टेप आपको फ़ाइल ओपन करना पड़ेगी। फ़ाइल ओपनिंग के बाद सबसे पहले आपको थ्री टेस्ट देना पड़ेगा। थ्री टेस्ट के लिए आपको लेक्चर सुनने पड़ते हैं। नॉर्मली 8 लेक्चर होते हैं, ये आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं या स्कूल जाकर भी सुन सकते हैं। तो मैंने तो ऑनलाइन सुने थे। उसके बाद अगर आप थ्री टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्लासेस दी जाती हैं। क्लासेस के लिए अगर आप न्यू हैं, एज ए न्यू ड्राइवर हैं, आपके पास अपनी कंट्री का लाइसेंस नहीं है, उसके लिए आपको 40 क्लासेस लेना पड़ेंगी। अदरवाइज़ अगर आपके पास अपनी कंट्री का लाइसेंस है और वो 5 ईयर ओल्ड है तो आपकी हाफ क्लासेस माफ़ हो जाती हैं, फिर आप 20 क्लासेस ले सकते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आपको सबसे पहले स्कूल असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप स्कूल असेसमेंट टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको डायरेक्टली पार्किंग यार्ड टेस्ट में भेज दिया जाएगा, वो भी स्कूल की तरफ से होगा। और अगर आप स्कूल की तरफ से पार्किंग टेस्ट पास कर लेते हैं उसके बाद आपका आरटी का पार्किंग टेस्ट होगा। आरटी का पार्किंग टेस्ट पास करने के बाद आपको एक हाईवे क्लास दी जाएगी, और हाईवे क्लास के बाद आपका फाइनल रोड टेस्ट होगा। और आप फाइनल रोड टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसी टाइम में आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा। यूएई में समर गुजारना बहुत मुश्किल काम है। 43 डिग्री टेम्परेचर लास्ट टाइम। हाँ, बेसिकली दो तरह के पैकेज होते हैं यहाँ पे। एक रेगुलर पैकेज होता है, दूसरा लमसम पैकेज होता है। तो पहले बात करते हैं रेगुलर पैकेज की। रेगुलर पैकेज हर स्कूल का थोड़ा डिफरेंट होता है। लाइक बिलहसा वाले 5500 में दे रहे हैं, और वही रेगुलर पैकेज दुबई ड्राइव वाले 4000 में दे रहे हैं। तो रेगुलर पैकेज में आपकी जो एक क्लास है वो आपको 60 देने की पड़ती है। तो अगर आप टेस्ट में फेल होते हैं तो आपको 4 क्लासेज और लेनी पड़ती हैं। अगर आप पार्किंग टेस्ट में फेल होते हैं तो पार्किंग टेस्ट के लिए आपको 2 क्लासेज दी जाती हैं, तो मतलब आपको 120 दिन दोबारा स्पेंड करने पड़ेंगे। और इसी तरह अगर आप फाइनल टेस्ट में फेल होते हैं तो फाइनल टेस्ट के लिए आपको 8 क्लासेज दोबारा दी जाती हैं। इस हिसाब से जिस तरह आप रेगुलर पैकेज में फेल होते जाएंगे तो आपका ये जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ज़्यादा लोग सजेस्ट करते हैं कि आप लमसम पैकेज लो। लमसम पैकेज भी डिफरेंट होता है। बिलहसा में लमसम पैकेज 9500 का अभी चल रहा है, और दुबई ड्राइव में 7500 चल रहा है। तो डिफरेंट स्कूल का डिफरेंट है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप रेगुलर पैकेज लें। होपफुली आप इंशाल्लाह फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राई में ले लेंगे। लेकिन अगर आपको ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती और इससे पहले आपने ड्राइव नहीं की तो फिर आप लमसम पैकेज लें। या दुबई के लाइसेंस की यहाँ बहुत वैल्यू है। तो वो लोग जो इंडिया या पाकिस्तान से आके यहाँ लाइसेंस लेना चाहते हैं तो वो अपना आज़ाद वीज़ा लेके या फ्रीलांस वीज़ा लेके यहाँ लाइसेंस ले सकते हैं। तो आजकल एनआरसी की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन नहीं उठा रहा, लगता सो रहा होगा। यार दोस्त का मैंने बोला नीचे आ जा, वो मुझे बोल रहा ऊपर आ जाओ। तो अभी हम गाड़ी पार्क करके ऊपर जाते हैं। तो कह रहा खाना खा लो, तो खाना खा के फिर चलते हैं, फिर आपको गाड़ी दिखाते हैं। फाइनली गाड़ी हो गई पार्क।
ग्लास ऑयल पकड़ना है, दूसरा मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, नहीं है मास्क पकड़ना है, मास्क बहुत ज़रूरी है यूएई में। ये अभी दोस्त ने ऊपर बुला लिया, यहाँ रहता है। ये DIP2 है दुबई का, गाड़ी चेक करें। राशन 5th फ्लोर था, फ्लोर मुझे बोल गया। या रूम कौन सा है? 528। अच्छा 5th फ्लोर ही है, ओके तो मैं सही जा रहा हूँ। ओके भाई आ गया 528 पहुँच गया। देखें इसको लेने हम आए थे ये भाई। जी भाई लोग, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग जो इंडिया या पाकिस्तान से आके यहाँ लाइसेंस लेना चाहते हैं उनको मेरी वीडियो थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ अवेश, अपनी गाड़ी कब दिखा रहा है? यार गाड़ी तो अभी सर्विस होने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएं। ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं आपको।